गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। मेरा भाई को भाई गुंडा में पूजा पुणे माँ को दिन मेरा भाई को तियान भक्सा देश के लागी सहित भक्सा मेरा भाई गुंडा में बस और क्या बस करने पास नानी ला सर का बस करे बाबू अम्मा इन्हीं मेरा बाबा हमें होते हो जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए दार्जिलिंग पहाड़ के गोरखा पुत्र शहीद गोरखा जवान सिद्धांत छेत्री का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि किया गया। आज उनकी इस अंतिम यात्रा के दौरान पहाड़ के लोग गमगीन नजर आए। उनके करीब रहने वाले लोग लगातार उनके नाम के नारे लगाते हुए सिद्धांत अमर रहे कह रहे थे। आपको बता दें कि अंतिम दर्शन उनके घर पे आयोजित किया गया, जहां पे आपके कई लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ उनके घर से शमशान स्थल जहां उनकी अंत्येष्टि की गई वहां ले जाकर उनको पंचतत्व में विलीन किया गया। बिजन बारी से वीर गोरखा वेब टीवी के लिए संजय निरोला की यह स्पेशल खबर। मेरा भाई को भाई गुंडा में पूजा पुणे माँ को दिन मेरा भाई को तियान भक्सा देश के लागी सहित भक्सा मेरा भाई गुंडा में बस और क्या बस करने पास नानी ला सर का बस करे बाबू अम्मा इन्हीं मेरा बाबा हमें होते हैं मेरा मुदिल को करी सबैले उहाँको निम्ति हामी एक
Good!
मुर्दाबाद को रैली अनि भारत माता की जय को रैली देखी रहने पे तब हम जानकारी कराँ शहीद श्रीराम छेत्री को शवयात्रा में आज विशेष करें क्षेत्रवासी ने शोभित संगसंगे एकदम पाकिस्तान को मुर्दाबाद को नारा संगे ये रैली भैर यहाँ तब स्क्रीन में देखने शहीद श्रीराम छेत्री को शव यहाँ जो फूल बजार में यो विशेष अहिले तपाईले देख्नु विद्या ज्योति अकाडमी को एनसीसी क्याडेट
हाम्रो लागि नराम्रो एउटा घटना भयो है, वास्तवमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सबसे पहिले पूर्व बिजमर खण्ड यस्तो भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनको म सभापति। यो दुःखद खबर हाम्रो विचार निजी बस्ने एउटा सिपाही राइफलम्यान सिद्धान्त तामाङ, सरी सिद्धान्त छेत्री उसको यस्तो दुर्घटना भएकोमा एकदमै हामी शोक। यो नि है बार बार गोर्खाहरू नै भइरहेको जस्तो देखिरहन्छु नि है, वास्तवमा के हो अलिकति जानकारी गर्नुहोस्। अब यो जति पनि यो जेएनकेतिर पोस्टहरू छ यसमा गोर्खा नै त्यहाँनिर हजुर, यो अब उनीहरूलाई अब त्यस्तो खालको 5 टोटल सहित भएको छ यसमा। हजुर, हाम्रो भेगमा चाहिँ कतिजना? हाम्रो भेगमा 1 13 1 बाँकी उतैतिर छ। हजुर, यानि नेपाली गोर्खाहरू यानि 2 सहितको परिवारपट्टि के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सहितको परिवारपट्टि अब उनीहरूलाई एउटा ईश्वरले सहन शक्ति गर्ने प्रदान दियोस् हवस्। समय दिनुभयो धन्यवाद है। विशेष यो दुःखद घटना भयो है, वास्तवमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? र त अब यसरी देशको सुरक्षामा हाम्रो स्थानीय युवा होनहार युवा यस क्षेत्रको सपोर्टले वीरगति प्राप्त गरेको छ र यस वीरगति जो चाहिँ प्राप्त गरेको छ हामी सहितलाई कहिले भुल्ने छैन र देशले कहिले भुल्ने छैन र यस दुःखद घडीमा हामी सम्पूर्ण क्षेत्रवासी उनको परिवारसित हामी साथमा छौँ र ईश्वरले उनको परिवारलाई यस
दुखद घड़ी में सहन शक्ति प्रदान गर्नु र उनको बलिदानलाई शहीदको बलिदानलाई हामी नमन गर्दछौ। हामी बिजनबारीको सम्पूर्ण क्षेत्रको तर्फबाट मानिसहरुको तर्फबाट हामी उनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौ, नमन गर्दछौ। हवस् धन्यवाद है। विशेष है सर, यो दुखद घटना भयो नि है, वास्तवमा के भन्नुहुन्छ तपाईं आफ्नो पक्षबाट? यो अत्यन्तै दुखद घटना हो। देशको निम्ति राष्ट्रको निम्ति उहाँले उत्सर्ग दिनुभयो। शहीद सन्देशनाथ क्षेत्रीलाई हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ र जसले जुन आतंकवादीहरूले उनको हत्या गरे हामी कठोर शब्दमा ती आतंकवादीहरूको विरुद्धमा भर्त्सना गर्छौँ, निन्दा प्रकट गर्दछौँ। सम्पूर्ण जनताले अनि भारतवर्षका जनताले अनि गोर्खाहरूले यसले कुरा बुझ्नुपर्छ कि गोर्खाहरूले सधैँभरि राष्ट्रलाई यसरी योगदान दिने। तपाईँलाई देख्नुहुँदैछ आज यात्रामा सामेल हुने जति पनि हुनुहुन्छ, महानुभावहरू इष्टमित्र सम्पूर्ण हेर्नु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सबै जानकारी गराउँछु दर्शक, आजको यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम छ। यो ¿Qué tal?
सर अभी हम एक्सप्रेस तरफ से प्रसिद्ध भाई हमारा सिद्धांत छेत्री जो 9 पैरा स्पेशल फोर्स में थे वो रजौरी में रेगुलर पोस्टेड थे और वहाँ पर उग्रवादी ऑपरेशन में वहाँ का शहीद हुआ। बड़ा दुख के साथ हमारा उसके साथ में 5 आदमी शहीद हुए थे जिसमें हमारा दार्जिलिंग हमारा पड़ोसी लोअर किचम बस्ती वहाँ का एक सिद्धांत छेत्री करके वहाँ एक शहीद हुआ। तो आज हम गोरखा एक्सरसाइज एसोसिएशन के तरफ से पुल विजनबारी ब्रांच के तरफ से हम लोग सचिव आरवी निरोला और मैं सुब्दा मेजर डी के लिंबू और ऑन बिहाफ ऑफ हमारा प्रेसिडेंट और नायब सुब्दा कमल कुमार सुब्बा वहाँ का अनुपस्थिति में हमने एक्सरसाइज की तरफ से उसको रेत चढ़ा कर हमने सम्मान दिया है और हमें गर्व है कि हमारा इलाके से इतना देश के एक लिए एक बहादुर जवान को हमने खो दिया लेकिन हमने गर्व है कि हम देश के लिए शहीद हुआ है। हाँ, इसलिए हम प्राउड के साथ कहते हैं कि हमारा इलाके में भी देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए हिम्मत करने के लिए हमारे पास बहुत से भाई लोग हैं जो समय समय पर देश के रक्षा के लिए उन्हें बलिदान दिया है। इसी मुताबिक सिद्धांत छेत्री बहुत ही अच्छा वो बीजा कम उम्र का आदमी है था, शादी अभी भी किया था बेचारा लेकिन उसको अभाग्यवश वही अवश्य दुर्घटना में मृत्यु हो गया। तो हम उनके परिवार वालों को या सभी रिश्तेदारों को हम यही उनको ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको सहन इस दुखद घड़ी में सहन शक्ति के लिए उनको प्रदान करो। धन्यवाद करना चाहिए। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब हमारा जो सिद्धांत भाई जो 5 साल का सर्विस के अंदर बिचारा 25 साल के उम्र में वहाँ का उग्रवादी के मतलब भिड़ंत में वहाँ को शहीद होना पड़ा, देश के रक्षा करते करते बिचारा जो जम्मू कश्मीर के जो रजौरी इलाका में वहाँ का पोस्टेड था उनके साथ मतलब और 5 जवान भी शहीद हुए अलग अलग इलाके के। तो ये जो सिद्धांत छेत्री जो था वो हमारा इलाका के हमारा गांव के नज़दीक का है, इसीलिए हमको बहुत दुख हो रहा है कि मतलब बेचारा वो शादी करके भी अभी उनका मतलब 1.5 महीना भी नहीं हुआ था बेचारा मतलब वहाँ पल्टन में जाके उनका ये हालत हुआ और हमको बहुत दुख है वहाँ मतलब हमारा देश के लिए शहीद हुए है। गर्व भी है कि मतलब जो एउटा देश के लिए शहीद होता है वो हमेशा अमर और अजर रहे और वहाँ का जो घर का उनका माँ बाप है और उनका फैमिली है या उनका पत्नी है जो सभी परिवार को ईश्वर के तरफ से सहन शक्ति दे। और इसमें आप लोग मीडिया के तरफ से मतलब जो सरकार को ये पहुँचाना चाहता हूँ जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी कान में पहुँच जाना चाहिए कि मतलब ये उग्रवादी का जो पहला जो अटैक किया था इसी मुताबिक मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करके मतलब इसको ध्वस्त करना चाहिए ये पाकिस्तान को। मतलब ज़्यादा मतलब हामीले भी जो हमारा जो सरकार है उनको भी मतलब एकदम कड़ा दृष्टि से करके मतलब एकदम जैसे हमारा जवान बार बार शहीद हो रहा है, कुछ दिन पहले 5 जवान मतलब पूंछ में शहीद हुआ था और अभी यहाँ 5 जवान शहीद हुए। इसी मुताबिक मतलब बारामूला में भी कुछ मतलब शहीद हुआ मतलब मुठभेड़ चल रहा है। तो इनको ख़त्म करने के लिए मतलब सरकार को मतलब बहुत गहरा कदम उठाना चाहिए कि मतलब इनको मतलब नहीं सोचना चाहिए जैसे उस हमारे लिए नहीं सोचता है तो उसको मतलब बहुत कड़ा कार्रवाई करना चाहिए, मेरा यही निवेदन है। जो फैमिली में है अभी उसका पिताजी है और माताजी है और उसका बड़े भैया है, उसका भाभी है और उसका बीवी है। बीवी तो क्या 2 महीने हो गया शादी किया बस, और उसका दीदी है एक तो उसका भी शादी हो गया है। तो उसका घर में उतना अभी परिवार में देखे तो घर में 2-3 आदमी रहता है बस, और कोई पढ़ने के लिए बाहर निकला है। तो उसका दादाजी वो जो ड्यूटी में आर्मी में है वो, मतलब उसका पिताजी क्या करता है? पिताजी तो पूरा फार्मर है, वो खेती बाड़ी करते हैं। मतलब उसका पूरा एड्रेस प्रॉपर अपर किजम बस्ती PONPS फुल बाजार डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। लेकिन उसका अभी अभी वो जो किजम में आया है तो घर जगह जमीन खरीद कर, तो उसका अभी एड्रेस डॉक्यूमेंट में देखे तो
अपर रंगदू में है। अच्छा, लेकिन प्रॉपर अपर की जो सर्वप्रथम सभी जितने भी ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अभी हमारे सिद्धांत जो 5 तारीख को देश के लिए अपना बलिदान दे दिए, वो देश के लिए अपना आहुति दे दिए हैं। ऐसा व्यक्ति जो जिन्होंने हमारे पहाड़ से जाकर अपना एक अच्छा स्थान बनाया देश के लिए, कश्मीर में जाकर एक अच्छा स्थान बनाकर अपना सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, इवन घर के पिता माता सब कुछ छोड़ के उन्होंने देश के लिए अपना समर्पित कर दिया। और हम ये चाहते हैं, कोई कवि कहते आग इतनी है कि सागर को उबाल कर रख दूँ, ताप इतनी है कि नभ को उतार कर रख दूँ, ए मेरे देश तेरी आम की सौगंध तू जो कहते तो मैं कलेजा निकाल कर रख दूँ। ऐसे व्यक्ति थे वो, ऐसा लड़का था जिसने अपना देश के निमित्त उन्होंने अपना कलेजा निकाल कर रख दिया। और हम ये भी चाहते हैं कि जितना भी आज हमारे पहाड़ में युवा हैं, आप सब आगे आइए और अपने देश को बचाने के लिए आप सब आगे आइए, यही हम सबसे निवेदन भी करते हैं सर। हाँ, ये सही है कि हमारे जितने भी गोरखे लोग हैं, हमारे जाते अपने सैनिक होके अपना बलिदान देके आते हैं, फिर भी हमारे जो गोरखों को जो कुछ मिलना चाहिए उनका अभी तक ये सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इसमें पता नहीं क्यों राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं ये केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ, आज जितना भी गोरखा लोग जाके अपना प्राण की आहुति दे रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ सोचे। और हम जो गोरखा लोग जाते हैं, हम कभी पीठ दिखा कर नहीं आते, अगर गोली लगता है तो हमारे सीने पर लगता है, हमारे सिर पे लगाते हैं। तो मैं और सरकारों से भी यही निवेदन करता हूँ कि हमारे जो गोरखा हैं उनको आप एक अच्छी नज़र से देखिए और हमारे लिए जो कुछ अच्छा होना चाहिए उसको आप दे दीजिए हमें, हम ये चाहते हैं आपसे सर। नाम मनोज कुमार छेत्री, मैं रेलिंग हायर सेकेंडरी स्कूल का एक शिक्षक हूँ, साथ ही साथ मेरा एक छोटा सा स्कूल है, इसे मैं चलाता भी हूँ। और मैं हर एक जितना भी हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में जितने भी युवा हैं, हम उनको यही प्रोत्साहित करते हैं, यही प्रोत्साहन देते हैं ताकि तुम आगे जाके अपने देश के लिए कुछ करो, अपने देश के लिए मर मिटो, क्योंकि सही लोग वही होते हैं जो अपने लिए, अपने देश के लिए मर मिटता है। जय हिंद। आमीन।